بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ये जो मैंने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम पढ़ा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दो कलमे ज़बान पे बहुत हल्के और मीज़ान में बहुत भारी हैं। अब आप यकीन कीजिए कि ये वो कलमात हैं कि जो भी इसको पढ़ेगा उसके लिए बहुत आसानियां पैदा हो जाएंगी, उसके अमाल में भी वज़न हो जाएगा और जो मामलात हैं उसके बिगड़े हुए वो सही हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि ये ऐसे कलमात हैं कि इसमें अल्लाह की तारीफ़ है। और हमने प्रोग्राम की इफ्तिताह जो की तो इसमें अल्लाह के कलाम को शामिल कर लिया। तो अबू बकर जौहरी आपकी खिदमत में हाजिर है और अपना सलाम पेश करता है और उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को बड़ी दिलचस्पी से देखते होंगे। हमें तो इसका सबूत मिलता है कि जब आप हमें कॉल करते हैं, लेकिन जो दीगर ख़वातीन हज़रात हैं जो हमें कॉल नहीं करते और हमारा प्रोग्राम देख लेते हैं, उनका भी शुक्रिया। और ज़ाहिर है कि ये एक मालूमाती प्रोग्राम है आपके इल्म के अंदर इजाफा करने के लिए और एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए ये प्रोग्राम है कि एस्ट्रोलॉजी दर हकीकत है क्या। कुछ लोगों ने इसको किस्मत का हाल समझा हुआ है, दरअसल ये किस्मत का हाल नहीं है। इसकी वजह यह है कि एक मैथमेटिक्स है, एक हिसाब किताब है कि इसमें क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, किस बात की एहतियात की जाए, क्या सदका किया जाए, कौन सा स्टोन पहना जाए। ये एक मालूमाती प्रोग्राम है और एस्ट्रोलॉजी से आदमी जो है वो एक एहतियाती तदबीर निकाल लेता है। इसका मतलब हरगिज़ अकीदा नहीं है कि ये हो ना है तो जी होना ही है, करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। लेकिन जिस तरह के 5 साल 10 साल 100 साल मंसूबे बनाए जाते हैं हुकूमतों के अंदर, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी का भी एक मामला है। वो कहते हैं ना कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, तो ये सामान है। अब पल की खबर तो ना मुझे भी नहीं है कि जो मेरी सांस अंदर गई है ये भी बाहर आई कि नहीं आई, ये तो अल्लाह की हिकमत है। जो इल्म हमें अता करता है वो इल्म हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी को किस्मत का हाल ना समझे और इससे अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए सबक हासिल करें। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और एरीज वालों के साथ साथ दीगर बुर्जों का भी हाल आपको बताएंगे। अब ये जो हमारा हफ्ता है ये 29 जनवरी से 4 फरवरी तक का हफ्ता है और इसमें क्या कुछ होने वाला है, कौन से सैयारों में क्या रद्दबदल होने वाला है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। एरीज वाले तैयार हो जाएं। एरीज वालों के लिए सबसे अहम बात यह है कि पिछले 2 हफ्ते जो आपने गुजारे हैं इसमें जो आपके साथ मामला हुए हैं और या राफेओं का विर्द मैंने आपको एरीज वालों को भी एक टाइम में बताया था, तो वो विर्द दोबारा भी आपको जारी रखना है क्योंकि इसमें दर्जात की बुलंदी है। या राफिया को 351 मरतबा पढ़िए, 351 टाइम, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार। और अगर इसको आप जहर की अजान के बाद यानी तकरीबन 1:45 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और अपने अपने वक्त के मुल्कों के वक्त के मुताबिक फिर उसी टाइम को आप कन्वर्ट कर लीजिए, वो पढ़ें वो ज़्यादा अच्छा है। या फिर आधी रात के वक्त यानी जब 12 बजते हैं रात के, तो उस वक्त पढ़ें जब आप सुकून के अंदर हों। तो ये जब आप नाम पढ़ेंगे अल्लाह पाक का तो इसमें आपको तरक्की मिल जाएगी, आपके दर्जात बुलंद हो जाएंगे। गोश्त का सदका करना है एरीज वालों को हमेशा की तरह इस हफ्ते भी, और नंबर 9 को इस्तेमाल करना है। पिछले हफ्ते आपने नंबर 9 का इस्तेमाल नहीं किया, अब आपको नंबर 9 का इस्तेमाल करना है। नंबर 9 मंगल का दिन गोश्त का सदका। और अगर स्वर्णवेयर करना चाहते हैं तो रूबी का नगीना है, हकीक यमनी को भी आप पहन सकते हैं। हकीक यमनी जो है वो असली होना चाहिए, चाइना ने जो है वो बड़े मामला ख़राब कर दिए हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी हैं कि बिल्कुल वो जवेरात लगती हैं। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उसने हर किस्म की ऐसी चीज़ें बना दी हैं कि बस उसका इंसान बनाना बाकी रह गया है, रूह नहीं फूक सकता, बल्कि रोबोट तो उसने बना ही दिए। तो चाइना का ना हो, असली हकीक यमनी हो, वो आप वेयर कीजिए। टाइम आप हमसे पूछ लीजिए, गोश का सदका कीजिए, नंबर 9 को इस्तेमाल कीजिए और सुर्ख रंग को अपने लिबास में इस्तेमाल कीजिए या मैरून कलर को, जैसा कि मैं हर हफ्ते आपको बताता हूँ। अब आप कहेंगे कि जी जौहरी साहब ने तो एक सुर्ख और मैरून पकड़ लिया है, हम इसके अलावा कोई रंग इस्तेमाल ना करें। मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है, मतलब आप सब रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपने लिबास में मैरून और सुर्ख रंग को जब आप इस्तेमाल करेंगे नहीं रेड कलर को, तो वो आपकी शख्सियत में 4 चांद लगाएगा। कहीं अहम मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं अहम तकरीब में जा रहे हैं, तो फिर आप इस रंगों का इस्तेमाल जो मैं बता रहा हूँ वो करेंगे तो इसमें आपकी शख्सियत निखर जाएगी। लोग आपको आपकी शख्सियत को जब देखेंगे तो आपकी तारीफ़ करेंगे, यार क्या आपने सूट पहना हुआ है, तो फिर आपको पता चलेगा कि मेरी बताई हुई बातों में कितना वजन है। तो याकूत के नगीने को वेयर कीजिए, टाइम हमसे पूछ लीजिए, गोश्त का सदका ज़रूर कीजिएगा।
टॉरस, दूसरा बुर्ज टॉरस जिसे बुर्ज सौर कहते हैं। और एक बात तो आपकी घुट्टी के अंदर मैंने डाल दिए हर प्रोग्राम कर करके कि आप जो है हसास तबीयत के हैं, और वो आप हैं भी। लेकिन जब आप सदका करते हैं जुमे के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ का, तो फिर आपको महसूस हो जाता है कि जो आपकी हसासियत थी वो थोड़ी कम हो गई और आपको सुकून मिल गया। तो इस सदके को जारी रखिए, हर जुमे को सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका कीजिए। कुंजाइड का नगीना वाइट कलर का, जो सफ़ेद रंग का कुंजाइड है उसको इस्तेमाल कीजिए। और जिनकी तबीयत बिल्कुल नरम है, बिल्कुल ठंडे मिजाज के जो लोग हैं, वो अगर लाइट बेबी पिंक कलर का कुंजाइड भी इस्तेमाल कर लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जुमे के दिन को इस्तेमाल करते हुए सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका दीजिए। और स्टोन पहनने से पहले टाइम आप हमसे मालूम कर लीजिए। नंबर दो को इस हफ्ते आप इस्तेमाल कीजिए, नंबर दो आपके लिए लकी रहेगा। जिन ख्वातीन हज़रात की शादी का दौरान या करीब आ गया, जिनकी शादियां होने वाली है, उनके लिए जो है ये फरवरी का जो महीना होगा ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम जो है ये 29 जनवरी से 4 फरवरी तक जा रहा है। तो आइंदा हफ्तों में मज़ीद आपको बातें बता दी जाएंगी। लेकिन फरवरी का जो दौरानिया है, यानी कि जो फरवरी के महीने का जो अदद बनता है वो 2 बनता है, तो वो आपके लिए फेवरेट है। फरवरी के महीने में अगर जिन जिन लोगों की शादियां हो रही हैं तो वो तारीख हमसे मालूम कर सकते हैं कि कौन से दिन कौन सी सात के अंदर निकाह पढ़वाया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सफ़ेद रंग की सदके का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। तीसरा बुर्ज जेमिनी, और ताल्लुक आपका भी अतारद यानी मरकरी सैयारे से होता है, तो वर्गो वालों की तरह आपको भी बुध का दिन बड़ा रास होता है। और अक्सर मैं आपको सदकात वगैरह भी इसी दिन के हवाले से बताता हूँ कि बुध के दिन आपने ग्रीन चीज़ों का सदका करना है। तो इस हफ्ते आपको ग्रीन के साथ साथ पीले रंग का सदका भी करना है। ऑफ वाइट कलर की कोई चीज़ हो या पीले रंग का जर्दा वगैरह हो, उसका भी आप सदका कीजिए। तो ये डबल सदका इस हफ्ते आपका जाएगा। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जो आपके पिछले काम जो नहीं हो रहे थे वो होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ नंबर 3 को फिर इस्तेमाल करना है आपने। नंबर 3 को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो नंबर 12 भी, नंबर 21 भी, और नंबर 30 यानी 30, ये सब 3 में शुमार होगा। एमरल्ड का नगीना आपके लिए अच्छा है, लेकिन पेरीडोट भी आप इस हफ्ते में अगर वेयर कर लेंगे, जो कि एमरल्ड से हल्के भाव का होता है, यानी कि कीमतन कम होता है, तो वो भी आपके लिए रास है। पेरीडोट का एक नगीना है, उसका नाम पेरीडोट ही है, इंग्लिश में भी उर्दू में उसको पेरीडोट ही कहते हैं। वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहनने से पहले आप हमसे टाइम ज़रूर पूछ लेंगे, ये आपके फ़ायदे की बात है। बुध के दिन ग्रीन चीज़ों का सदका कीजिए, या पीले रंग या ऑफ वाइट रंग के चीज़ों का सदका कीजिए। नंबर 3 को इस्तेमाल कीजिए, और सदका जिस तरह के मैंने कहा कि 2 सदके आपने करना है, ग्रीन चीज़ का भी करना है और पीली चीज़ का करना है, इसको मद्देनज़र रखते हुए 3-4 हफ्ते मुसलसल ऐसा ही कीजिएगा, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जो इस हफ्ते सदके की इफ्तिताह करेंगे उनसे ये बात हो रही है, लेकिन जो पीछे से करते चले आए वो सिर्फ ग्रीन ही चीज़ों का सदका करेंगे। इब्तदाई मामला जो होता है उसके अंदर जब मैं आपको 2 सदके बताता हूँ, तो फिर आप जब शुरू करेंगे तो फिर वो 2 हर हफ्ते करेंगे, लेकिन जो करते चले आ रहे हैं वो 1 ही करेंगे, तो उनके लिए वही चीज़ रहेगी, उसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कैंसर कहते हैं, और कैंसर वालों के लिए मंडे का दिन बहुत अच्छा होता है। गोगे में 2 हफ्तों से आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको स्टोन वेयर करना चाहते हैं तो ओपल का नगीना पहन लीजिए। जिन ख्वातीन हज़रात ने ओपल का नगीना पहन लिया है वो ठीक है, लेकिन अगर ख्वातीन चाहें तो पर्ल यानी सच्चा मोती जो होता है उसकी ज्वेलरी को भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और वो मुस्तकिल भी कर सकती हैं, लेकिन ज्वेलरी जो होती है वो पहनी उतारी जाती है। स्टोन जो आपका अगर उंगली में पहनना है तो बाकायदा अगर उससे आपको फ़ायदा हासिल करना है तो यकीनन वो फिर ओपल ही का नगीना है। ओपल के नगीने को हमारे बताए हुए टाइम पे आप वेयर करेंगे पहली मरतबा, और जो सदका हम बताएंगे वो आप सदका करेंगे। वैसे सरतान वालों को सफ़ेद रंग का सदका मंडे के दिन करना है, और जब सदका शुरू करना है तो ये 7 मंडे तक मुसलसल करना है। सरतान वालों के लिए पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, या मेडिकल अज्जा या मेडिकल स्टोर या डॉक्टर या सर्जन हजरात हैं, उनके लिए खुशखबरी है, तो वो इस हफ्ते भी वही चीज़ रहेगी। इसमें आपको फ़वाद मिलने वाले हैं। मौसम की तब्दीली की वजह से आपके कारोबार में इजाफा हो जाता है, बरकत तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मरीज़ आपके पास आ रहे हैं तो उसमें हम बरकत नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह से आपकी रोज़ी अच्छी चाहते हैं, तो अल्लाह करे कि आपकी रोज़ी के अंदर जो मामला है वो अच्छा हो जाए। और डॉक्टरों को भी अक्सर यही दुआ करनी चाहिए। डॉक्टर को ये नहीं कहना चाहिए कि या अल्लाह मेरी रोज़ी में बरकत दे, अगर बरकत होना शुरू हो जाएगी तो फिर मरीज़ बेचारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप लोगों को ये कहना चाहिए कि या अल्लाह पाक
मेरे हाथ से लोगों को शिफा दे, शिफा तेरे पास है लेकिन मेरी दवा से या जो मेरे हाथ से लोगों को शिफा दे। तो डॉक्टर हजरात के चेहरे पे जो है, जो लेडी डॉक्टर भी हैं, जो मर्द हजरात भी हैं, उनके चेहरे पे खुशी की लहर आई होगी कि जौहरी साहब ने मैं अच्छी दुआ बता दी। आपके पास जो भी मरीज आ रहा है उसके लिए आप ये दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे हाथ से मरीजों को शिफा दे। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की, लेकिन वो आपके हाथ से देता है, किसी के हाथ में अल्लाह पाक ने शिफा रखी है। तो जितने भी मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये हफ्ता भी अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आपको 2 नंबर का और 4 नंबर का इस्तेमाल करना है, सफ़ेद रंग का लिबास पहनना है, और ख़वातीन चाहें तो वो मल्टी शेड मिले जुले रंगों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ओपल का नगीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ओपल के नगीने को वेयर कीजिए, टाइम आप हमसे पूछ लीजिए। सफ़ेद रंग का जब सदका मंडे के दिन आप शुरू करेंगे तो वो 7 मंडे तक, मंडे के मंडे बिल्कुल बाकायदगी से देंगे, और फिर आप सदके पूरे करने के बाद कॉल करके हमसे जो दीगर मसाइल हों उसको आप डिस्कस कर लीजिए। 5वां बुर्ज लियो, जिसे बुर्ज असद कहते हैं। बबर शेर जो है आपका बुर्ज साइन है, और शेर वाली सारी अलामतें आपके अंदर पाई जाती हैं। ये आप लोगों को मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप खुद अपने आप के अंदर वो चीज़ें महसूस करते हैं। जो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो दूसरे ख़वातीन हज़रात नहीं कर सकते, वो लियो वाले जो है बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो अक्सर मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ कि लीडराना सलाहियतें आपके अंदर होती हैं, तो इसको बरूए कार लाते हुए लोगों के फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए, ना कि नुकसान के लिए। तो इतवार के दिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और सरकारी मामलात में दुनिया भर में तकरीबन इतवार को छुट्टी होती है, तो फिर जो है उस दिन आप वो काम सर अंजाम नहीं दे सकते जो आपके गवर्नमेंट के मामलात हैं। तो फिर आप क्या कीजिएगा, अपने दोस्त बुर्ज के दिन यानी जुमेरात, सजिटरस जो है वो आपका दोस्त है, तो जुमेरात के दिन को आप इस्तेमाल करके अपने मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं। नंबर 1 और नंबर 4 इस हफ्ते आपके साथ रहेगा। लियो का ही ये साल का आदत बन रहा है नंबर 1, तो आपके लिए 1 नंबर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और 4 नंबर भी है, तो इन दोनों नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए अब 1 नंबर में 10 का आदत भी आ जाता है और 28 का आदत भी आ जाता है। वो कैसे कि 10 को 0 को जब आप हटाएंगे तो वो 1 ही रहेगा, और 28 को जब जमा करेंगे तो 8 और 2 10 बनेगा, और 10 के 0 को फिर जब आप हटा देंगे तो फिर ये 1 ही का आदत रहेगा। तो इस साल का जो आदत है 2017 जब आप लिखेंगे तो इसका टोटल आदत 1 बनेगा। जब 1 बनेगा तो ये साल आपके लिए फेवरेट है। इससे मुराद मेरी ये, इस साल को इस्तेमाल करते हुए इसको आप अच्छी तरह यानी कि उससे फवायद हासिल कीजिए, सदके को जारी कीजिए और स्टोन पहन लीजिए, ताकि जो मामला आपके साथ पिछले साल में सही नहीं थे वो स्टोन के पहनने से और सदका देने से और आपके इन नंबर्स के इस्तेमाल से इंशाल्लाह वो दुरुस्त हो जाएंगे। वर्गो बुर्ज शिमला, अतारत से आपका ताल्लुक है, मरकरी आपका यानी अतारत और मरकरी, इंग्लिश में इसको मरकरी कहते हैं और उर्दू में इसको अतारत कहते हैं। तो जो ख्वातीन हजरात ये समझ लें कि आप बुध के दिन से आपका जो गहरा ताल्लुक है, तो बुध के दिन को जो इस्तेमाल करते आए हैं वो मजीद बुधी के दिन को इस्तेमाल करेंगे, और 2 अदद पराठों का सदका, जो कि मुस्कुराहट के साथ मैं बात करता हूँ, उसको आपने देते रहना है। और ये जितनी मरतबा भी आप देंगे तो यकीनन आपके मामलात में दुरुस्तगी आती जाएगी। वजह इसकी ये है कि पराठे के अंदर तेल घी किस्म की चीज़ होती है, चिकनाई किस्म की, तो मरकरी सैयारा जो है वो रोशनी का सैयारा है, तो आग जलाने के लिए आपको पता है कि तेल या घी कहते हैं कि जलती पे तेल छिड़कना, तो मैं आपका वो तेल छिड़कवा रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए। तो आपने क्या करना है कि हर बुध को 2 अदद पराठों का सदका करना है, और ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, इसकी हिकमत है। और इसके बाद अगर आप कोई बड़ा सदका करना चाहते हैं या कुछ लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं तो वो भी करें, उसके कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हर बुध को कम अज़ कम 2 अदद पराठे किसी को नाश्ते में दे दिया करें, तो वो आपके बुर्ज के लिए बहुत अच्छा हो जाता है और आपके मामलात के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ येलो सफ़ायर जो है, जिसे हम पुखराज कहते हैं, वो अगर आप वेयर कर सकते हैं, अगर वो कॉस्टली नगीना है, थोड़ा काफ़ी महंगा होता है तो ठीक है, अगर वो नहीं पहन सकते तो फिर आप उसका नेमुल बदल जो है वो गोल्डन टोपाज है, जिसे हम सुनहला पुखराज कहते हैं, वो नगीना आप वेयर कर लीजिए, लेकिन वही पहनने से पहले अंगूठी बनवा लीजिए और हमसे आप टाइम पूछ लीजिए कि भाई कितने बज के कितने मिनट में हम इसको इस्तेमाल करें पहली मरतबा और क्या सदका करें, तो उससे आपके मामलात में और मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। नंबर 5 को इस हफ्ते भी आपको इस्तेमाल करना है, और जो आपके करीब करीब में मीज़ान वाले या टॉरस वाले, उनसे आपका रबता बहुत अच्छा रहने वाला है, तो उनसे किसी मशवरे की अगर आपको ज़रूरत हो तो मीज़ान वालों से या टॉरस वालों से ले लीजिए, क्योंकि वो इंतहाई मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं
और आपको वो सही सही मशवरा देंगे, क्योंकि फिर आपको उनके मशवरे के अमल करने के बाद पता चलेगा कि जो जौहरी साहब ने बात बताई थी वो कितनी दुरुस्त थी। क्योंकि ये हसास किस्म के लोग होते हैं और वो किसी को भी गलत मशवरे नहीं देते। अब मीज़ान वाले और टॉरस वाले तो मेरी तारीफ़ कर रहे होंगे इस वक्त कि जौहरी साहब ने जो हमारे मुतल्लिक क्या बात की है। तो ये मैं सच बता रहा हूँ कि आप लोग किसी का नुकसान नहीं चाहते। अगर आपका दुश्मन भी आपके सामने होता है तो आप ये चाहते हैं कि उसको नुकसान ना पहुँचाया जाए, उसको कोई फ़ायदा मिल जाए। तो अतारत वालों को यानी कि वर्गो वालों को मशवरा करना चाहिए टॉरस वालों से या मीज़ान वालों से, अगर आपके इर्द गिर्द कोई है तो अपने मामलात के लिए उनसे मशवरा कीजिए। और जिस तरह के मैं आपको बताता आया हूँ कि दो अदद पराठों का सदका जारी रहेगा, स्टोन पहनना चाहें तो वो भी मैंने आपको बता दिया, बुध के दिन को इस्तेमाल कीजिए। इन तारीखों में जहाँ 3 और 5 का अदद मिल जाए और बुध का दिन मिल जाए तो ये आपके लिए लकी दिन होगा। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान, जिस तरह के मैंने वर्गो वालों को बताया कि आप किसी लिब्रा वाले से या टॉरस वालों से मशवरा कर लीजिए, तो आपके लिए भी यही बेहतर है कि आप किसी वर्गो वालों से मशवरा कर लीजिए तो मामला आपके दुरुस्त हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि ये आपकी हसासियत जो है, ये वर्गो वाले बड़े ज़हीन होते हैं तो आपको वो मशवरा अच्छा देंगे। आप चूंकि वर्गो वालों को अच्छा दे सकते हैं मोहब्बत की बिना पे, तो वर्गो वाले जो हैं वो आपको अपनी चालाकी से और अपनी ये समझें कि उनके अंदर जो इल्मियत पाई जाती है उससे आपको मशवरा अच्छा देंगे। आपके अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए आप किसी वर्गो वालों से मशवरा कर सकते हैं। जुमे के दिन को इस्तेमाल करना है, सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका देना है। कुंजाइट ही का नगीना आपके लिए सफ़ते भी है, आपको कुंजाइट जब पहनना होगा तो आप टाइम हमसे पूछेंगे। जुमे के दिन जब आप सदका शुरू करेंगे तो 7 जुमे तक मुसलसल ये सदका देंगे, और इस हफ्ते भी अगर आप डबल सदका दे दें पहली मरतबा तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नंबर 7 को इस्तेमाल कीजिए जो कि आपके साथ साथ चलने वाला है इस हफ्ते। नंबर 7, नंबर 16 और नंबर 25, ये नंबर 7 ही रहेगा क्योंकि इसकी जमा जब आप करते हैं 16 की जमा 16 भी ये 7 ही बन जाता है, और 25 को भी यानी 25 को भी आप जमा करते हैं तो वो नंबर 7 बन जाता है, और नंबर 7 तो है ही 7। तो इसको साथ साथ चलने दीजिए और वर्गो वालों से फ़ायदा उठाइए और सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका कीजिए। ये जब हफ्ता गुजर जाएगा तो इसके बाद अगले हफ्ते की जब बात होगी तो उसमें मैं 2-3 चीज़ें आपको मजीद बताने वाला हूँ, तो अगला प्रोग्राम हमारा ज़रूर देखिएगा। 8वां बुर्ज स्कॉर्पियो और बुर्ज साइन आपका बिच्छू। तो बिच्छू वालों को आज मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप डंक मार दें, क्योंकि बहुत मरतबा बोल चुका हूँ। तो आप अपनी फितरत को समझते हैं कि जब आपके साथ नाजायज होने लगता है तो फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, बस इतना मेरा कहना काफ़ी है। लेकिन अंदर से आप लोग बड़े नरम किस्म के लोग होते हैं और लोगों के साथ भलाई करने की सलाहियत आपके अंदर पाई जाती है, लेकिन चूंकि आपका सैयारा जो है वो मार्स यानी मरीख है तो गुस्से की अलामत आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इंसान को गुस्सा आए तो अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए और बैठा है तो लेट जाए, या फिर मुंह हाथ धो ले, तो इससे गुस्से में कमी वाकई हो जाती है। जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे तो पानी का एक गिलास पीने से भी आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है। इसके साथ साथ आपको मंगल के दिन को इस्तेमाल करना है, गोश्त का सदका करना है। अच्छा, मंगल का जो दिन है वो एरीज वालों के लिए भी होता है और आप लोगों के लिए भी होता है। इसकी वजह यह है कि आप दोनों का जो ताल्लुक है वो मार्स यानी मरीख सैारे से, और वो जंग जदल का सैारा है। इसके अंदर तेज़ी पाई जाती है, उसका रंग भी सुर्ख यानी रेड है, तो फिर आपके अंदर गुस्से की अलामतें ज़्यादा होती हैं। तो आप अपने मामलात को जब गुस्से की हालत में होते हैं तो उसको सरंजाम ना दें, थोड़ी देर बैठ जाएं, सोचें, अकल को ठिकाने आने दीजिए, उसके बाद आप किसी मामले में पढ़ें या अपने मामले को हल करें तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। याकूत का नगीना है आपके लिए, अगर आप चाहें तो इस हफ्ते अकीक यमनी को भी पहन सकते हैं। ख्वातीन ज्वेलरी के अंदर याकूत का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मुस्तकिल नगीना भी आपका याकूत यानी रूबी है। तो रूबी के इस्तेमाल के लिए दिन और तारीख तायुन हम करेंगे, आप हमसे कॉल करके पूछ लीजिए कि आप कितने बज के कितने मिनट में कौन से मुल्क में रहते हैं, अपना और अपनी वालदा का जब नाम बताएंगे तो हम आपको उसका टाइम बता देंगे कि पहली मरतबा आपको इतने बज के इतने मिनट पर पहनना है। ये आपकी फ़ायदे की बात है। दिन को इस्तेमाल कीजिए मंगल को, और नंबर 9 को इस्तेमाल कीजिए। पिछले आपने हफ्तों में 8 नंबर को भी इस्तेमाल किया, लेकिन इस वक्त जो आपको इस्तेमाल करना है वो नंबर 9 को करना है। तो नंबर 9 से फ़ायदे उठाइए, 9, 18 और 27, ये सारे नंबर जब आप जोड़ेंगे यानी 9 तो 9 है और 18 को जब आप जमा करेंगे 18 मिलके ये 9 बन जाता है, और 27 को भी जब आप जमा करेंगे तो ये 7 और 2 मिलके 9 बन जाता है।
तो 9 नंबर आपके साथ इस हफ्ते चलने वाला है। गोश का सत्कार कीजिए, मंगल के दिन को इस्तेमाल कीजिए। सेजिटेरियस रूहानियत से भरपूर और मामलात को खुश असलूबी से अंजाम देने वाले नरम मिजाज के लोग, तो चूंकि ताल्लुक आपका मुश्तरी सैयारे से, धन दौलत का भी सैयारा है, रूहानियत का भी है, तो आप लोग जो है अपने मामलात के अंदर बड़ी नरमी से लोगों के साथ पेश आते हैं और दीगर मामलात में भी, उनके मामलात में भी आप नरमी से पेश आते हैं। अच्छा, जो सेजिटेरियस वाले वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनसे बड़े शफीक तरीके से मिलते जुलते भी उनको बातें भी समझाते हैं, तो बच्चों के लिए ये होता है कि अपने वालिदैन की उस नरमी से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और अपनी खामखा की जो ज़िद है उस पर ना अड़े रहें, क्योंकि वालिदैन जो आपके लिए हर वक्त बेहतर चाहते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई वालिदैन आपको अगर डांटते हैं या कुछ हल्की फुल्की मार भी पड़ जाती है तो फिर उसके लिए आप ये ना सोचें कि ये हमारे साथ सख्ती कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी ज़हनी सलाहियतों को समझ रहे होते हैं और अब शफकत के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग बाज़ औक़ात नहीं समझते बच्चों, तो फिर आपको थोड़ी सी डांट भी पड़ती है। इसके लिए आप तैयार रिहा कीजिए और जनाब अपने वालिदैन की सलाहियतों को उजागर करने के लिए उनकी बात मान लीजिएगी, मान लेनी चाहिए आपको। इसके साथ साथ ये है कि सेजिटेरियस वाले येलो कलर का, जिस तरह के सदका मैं बताता हूँ कि पीले रंग का सदका जुमेरात के दिन कीजिए। जुपिटर आपका सैयारा है तो धन दौलत का भी सैयारा है और रूहानियत का भी है, तो रूहानियत को उजागर करने के लिए आपने सुबहान अल्लाह वह भी हमदही सुबहान अल्लाह अज़ीम का विर्द करना है 100 मरतबा रोज़ाना सुबह के वक्त करें, सुबह की नमाज के बाद करें या सुबह के वक्त कर लिया करें, तो ये आपकी रूहानियत में भी इजाफा करेगा, अल्लाह की तारीफ है और आपके मामलात के अंदर भी वजनदार चीज़ हो जाएगी, तो इसको इस्तेमाल करने से आपको बड़े फ़वाद मिलेंगे। इसके साथ साथ आप चाहें तो फरोज़े का नगीना भी पहन सकते हैं, चाहे तो एमरल्ड का नगीना भी पहन सकते हैं। जुमेरात के दिन पीले रंग का सदका कहिए और ये सदका जब आप शुरू करेंगे तो 5 जुमेरात तक मुसलसल कीजिएगा और इस हफ्ते आप डबल सदका कर लीजिएगा, ये आपके ज़्यादा फ़ायदे में होगा। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, चूँकि ये जो दौरानिया था वो अब इसमें जो है दिल्ली वालों का दौरानिया आ चुका है, लेकिन सर्टन सैयारे से आपका ताल्लुक है, दौर उसी का चल रहा है, तो कैप्रिकॉर्न वालों को भी इस हफ्ते बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं वो दिल्ली की वजह से। अब मामला ये है कि आपके लिए जो ब्लैक रंग में बताता हूँ कि लिबास में इस्तेमाल कीजिए, ब्लू कीजिए, ग्रे कीजिए, तो उसी को इस्तेमाल करना है। हफ्ते के दिन काले रंग की चीज़ों का सदका करना है और नंबर 8 जिस तरह के आपने पिछले हफ्ते इस्तेमाल किया, इस हफ्ते भी नंबर 8 का इस्तेमाल आप करेंगे। नंबर 8, नंबर 17, नंबर 26, इन सब का टोटल अदद जो बनता है वो 8 ही बनता है। हफ्ते के दिन सदका शुरू कीजिए और जब सदका शुरू करें तो 8 मरतबा यानी 8 हफ्ते तक मुसलसल सदका कीजिए। गार्नेट का नगीना मैं अक्सर आपको बताता हूँ, जो 60 साल से अबाव यानी जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है वो नीलम का नगीना भी पहन सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात में कुछ लोगों को कम उम्र हुई होते हैं उनको भी मैं नीलम पहना देता हूँ। उसकी वजूहत कुछ ऐसी होती है कि जब वो हमसे जायचा बनवाते हैं तो हम उनका नाम और उनकी वालदा का नाम लेके ये हिसाब किताब लगाते हैं कि आया कि इनके जो अदद हैं वालदा के नाम के साथ वो कितने हैं, उनका जमा क्या बनता है और उनका वज़न क्या बनता है, फिर हम नीलम का नगीना पहनाते हैं। लेकिन जो जायचा हमसे नहीं बनवा रहे तो वो जो हैं वो गार्नेट के नगीने को इस्तेमाल करेंगे और गार्नेट का नगीना इस्तेमाल करने से पहले टाइम आप हमसे पूछ लेंगे तो ये आपके फ़ायदे में रहेगा। काले रंग का सदका जब आप करना शुरू करेंगे तो 8 हफ्तों तक यानी सैटरडे के सैटरडे काले रंग की चीज़ों का सदका करेंगे और नगीने का जिस तरह मैंने इस्तेमाल बताया टाइम पूछ के करना है ताकि आपको उसके फ़वाद मिले। दिल्लू, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सोचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो यकीनन यहाँ जो बात आ रही है वो ऐसी आ रही है कि जैसे तरह हमने कैप्रिकॉर्न वालों को बताया वही चीज़ें आपके साथ चलने वाली। इस हफ्ते नंबर 8 का आप इस्तेमाल कीजिए, ब्लैक कलर को, ब्लू कलर को, और जनाब सदका जब आप शुरू करें तो 8 हफ्ते मुसलसल कीजिए। गार्नेट का नगीना आप भी पहन सकते हैं लेकिन टाइम आप हमसे पूछ लेंगे तो आपको ही बड़े फ़वाद मिलेंगे। चूँकि सैटर्न का दौर चल रहा है तो सैटर्न सैयारा कैप्रिकॉर्न को भी कवर करता है और एक्वेरियस को भी करता है यानी दिल्ली वालों को, तो दोनों चीज़ें तकरीबन सेम सेम होती हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा मैं कर देता हूँ कि आप ग्रे रंग को भी इस्तेमाल जब करेंगे तो आपकी शख्सियत में 4 चांद लग जाएंगे। 8 हफ्ते तक मुसलसल सदका कीजिए और गार्नेट का नगीना इस्तेमाल कीजिए। आखिरी बुर्ज पाइसेस, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमने इसको 12वें नंबर पर रखा है, लेकिन ताल्लुक चूँकि आपका भी मुश्तरी से है सेजिटेरियस वालों की तरह, तो रूहानियत का सैयारा अक्सर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि आप रूहानी ख्वाब भी देखते हैं
और ख्वाबों में आप रूहानी मुकामात यानी कि आपके जो मजहबी मुकामात होते हैं उनकी सैर भी करते हैं। कभी आप देखते हैं कि हम फलां जगह गए, कभी फलां जगह गए, कभी नमाज पढ़ रहे हैं, कभी जो है मजहबी मुकामात की सैर कर रहे हैं आप, तो ये तमाम पैसिस वालों के अंदर मुश्तरी सैारे की वजह से पाया जाता है। इस हफ्ते एक बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि 9 नंबर जो है वो इल्मुल आदाद का सबसे बड़ा अदद है, नंबर 9। तो चूंकि ये सजिटेरियस का जो बुर्ज है वो 9वां है और उसका ताल्लुक भी मुश्तरी से है और आपका ताल्लुक भी मुश्तरी सैारे से है, तो ये जो 9-9 के हिंसों वाली एक अंगूठी होती है आपने अक्सर देखी होगी लोगों के हाथ में होती है, जिससे में 9 खानों के अंदर 9 मरतबा 9-9-9 लिखा होता है। अच्छा, ये आम एक चीज़ है लेकिन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं पता कि इसकी आदत क्या है और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इसके बहुत सारे मामलात हैं। चूँकि ये कुरान मजीद के भी आदात जो बनते हैं उसका टोटल अदद 9 बनता है, बीबी फातिमा के आदात भी हैं और बहुत सारे, ये जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई तो उस दिन भी 27 रजब थी तो 9 का अदद बन गया, और रमज़ान की लैलतुल कदर की रात को भी 27 की रात कहा गया तो वो भी 9 का अदद है। तो ये 9-9 इंसों वाली जो अंगूठी होती है ये सेजिटेरियस वालों के लिए और पाइसिस वालों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। अब सेजिटेरियस वाले और पाइसिस वाले अगर इसको एक वक्त के अंदर जो कि हम जानते हैं बना के अपनी उंगली में पहन लें तो इस नक्श से वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब जिस तरह के मैंने ये पहनी है तो मैंने एक टाइम के मुताबिक इसको बनवा के पहनी है, वैसे तो ये बाज़ार में आम है लेकिन इसका जो सही तरीका है वो हम आपको बताएंगे जब आप हमें कॉल करेंगे या अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा भी सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा टेलीफोन नंबर जो है, सेल नंबर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, तो आप उससे रابطہ कर सकते हैं। दूसरी एक बात यह है कि आपका जो सैारा रूहानियत से जब ताल्लुक है तो इल्मुल आदाद का ये सबसे बड़ा अदद है, तो इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके दीगर जो मामलात हैं जो कि रुके हुए मामलात थे वो इंशाल्लाह बिल्कुल सही होना शुरू हो जाएंगे। ये सबसे भारी अदद है और इसकी इफादियत भी सबसे ज़्यादा है। अब आप ये देखिए कि जुमेरात के दिन आपको पीले चीज़ों का मैं सदका बताता हूँ तो उसको जारी करना है, एमरल्ड का नगीना पहनना है और अगर 9 कहीं से वाली अंगूठी आप मंगवाना चाहें तो हमसे मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ आखिर में जब हम आपसे जो 2-3 बातें करते हैं उसमें मैं यही कहूँगा कि इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखिए और अपने पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। आपके जो दोस्त हैं कल अगर वो बिछड़ जाते हैं आपसे, खुदा ना खास्ता उनका इंतकाल हो जाता है या किसी और मुल्क में चले जाते हैं, तो आपको उनसे मिलने की जुस्तजू फिर हो जाती है, तो क्यों ना मोहब्बतें बांटी जाएं और सबसे पहले सबसे रास्ते ही अच्छे कर लिए जाएँ, ताल्लुकात ही अच्छे कर लिए जाएँ ताकि उनके जाने के बाद आपको कोई गम ना हो। इसी अच्छी बात के साथ अबू बकर जौहरी आपसे इजाज़त चाहेगा और जिंदगी तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।